ओम श्री साई नाथाय नमः। स्वागत है आपका साई दीदार चैनल पे। मैं आपके साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से आपके अपने चैनल में आपका ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अपने जो भी मेरे परिवार के सदस्य हैं साई दीदार चैनल पे, जितने भी सदस्य हैं, मेंबर्स हैं फैमिली के, सभी को आने वाली रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और बाबा के लिए हम लोग बाबा के रास्तों पर चलते हुए जितना कर पाते हैं वो हमारा सौभाग्य है कि हमें साई मिले, क्योंकि बाबा का मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं है। और आज के जो वीडियो है इसके बारे में बहुत से डेवोटीज ने मुझसे पूछा कि अनु तुम क्यों मानती हो इतना बाबा को, आखिर क्या है तुम्हारी लाइफ में, ऐसा क्या हुआ जो तुम बाबा को इतना मानती हो। वाकई पूछने वाली बात है, आपका हक बनता है, मेरे परिवार के सदस्य हो तो आपका हक बनता है पूछने का कि वाकई अनु ने बाबा को क्यों इतना प्यार कर दिया, आखिर किया क्या है बाबा ने इसके साथ। आज ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत 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 ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे इस बात को आपके सामने शेयर करूंगी, लेकिन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सच जो मुझे बाबा, मुझे मैं यूं गिर गई थी नीचे और बाबा मुझे उठा कर लाए, तो ये जानने के लिए पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी लाइफ का सच जान तो लो कि साई अनु ने क्यों साई अनु बन गई, अनु से साई अनु कैसे बनी मैं ये तो जान लो, और कैसे बाबा ने मुझे संभाला, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींच कर लेकर आए। ये वीडियो देखते रहिए और आपको आगे चलकर मेरी हर एक लाइफ का जो आप जानना चाहते थे कि कैसे आखिर मैंने आपसे ये तो शेयर कर दिया मुझे बाबा मिले कैसे, लेकिन ये शेयर नहीं किया मैंने आपके साथ कि बाबा ने क्या किया मेरे साथ, कैसे मेरी प्रॉब्लम्स, आप जानना चाहते थे किसी ड्राइवर ने मुझसे बोला अनु आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आई वो बताओ, तो वही आज मैं आपके साथ शेयर करने जाती हूँ। पूरी वीडियो देखते रहिए और आइए चलते हैं साई अनु, अनु से साई अनु कैसे बनी इसका पूरा रहस्य जिसको मैं बोलूंगी वो आप भी जान लीजिए। और मैं कहना चाहूंगी जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है तो आपको वीडियो का पता नहीं लगता, और जब मैं लाइव आती हूँ वो भी आपको नहीं पता लग पाता। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज जाकर कर लीजिए। और वीडियो के लास्ट में जरूर बताया करिए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगती है, पहले पूरी वीडियो सुना कीजिए उसके बाद जब आपको अच्छी लगती है तभी आप लाइक किया कीजिए, ठीक है ना। जबरदस्ती नहीं कहती हूँ, जब आपको वीडियो अच्छी लगे तभी आप लाइक किया कीजिए और इसको शेयर किया कीजिए। और जहां तक मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्यार है ना वो बाबा के लिए और बढ़ जाएगा, शायद बाबा ही मुझसे आज ये करवा रहे हैं। तो ये जो मेरे साईनाथ मेरे साथ है ना, आज जान लो क्यों है मेरे साथ और मैं उनकी इतनी दीवानी क्यों हूं, कैसे बनी आपकी साई अनु साई की दीवानी, आइए जानते हैं। तो मैं आज अपनी लाइफ का बहुत बड़ा सच आपके सामने रखने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके सामने बोल पाऊंगी कि मुझे कैसे क्या होगा, लेकिन सबसे पहले मैं तो आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपनी मम्मा के सामने नहीं बनाती, ना उनके सामने ऐसी बातें करती हूँ जो पिछला हो गया, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत सेंसिटिव है, वो सुनते ही उनका बीपी या शुगर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो बात है, आपने वहां तक तो सुना है कि मुझे बाबा कैसे मिले, ठीक है। जिन्होंने नहीं सुना है लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके मेरी रियल लाइफ स्टोरी दो वीडियोस हैं वो दोनों को जाके चेकआउट कर सकते हो, जाकर देख लेना और मुझे बताना जरूर कि आपको मेरी लाइफ कैसी लगती है। तो आज उन जो पल मेरी जिंदगी से चले गए हैं उनको आज आपके सामने एक बार फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो बात कुछ बहुत टाइम पहले की है, बहुत समय बीत गया इस चीज़ को, जब मैं कॉलेज करती थी, मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं स्टडी करती थी, मैंने आपको बताया कि मैं कॉलेज जाने में लेट हो जाती थी, मुझे कॉलेज पहुंचने में देर हो जाती थी, तो मुझे टीचर्स कहते थे कि अनु ये टाइम नहीं आने का, मैं स्टडी नहीं करनी, तुम तो लगता है पढ़ ही नहीं पाओगे। तो मैं उनको कैसे बताती कि मैम मेरी क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरे साथ मेरी दिक्कत क्या है। तो उस टाइम मैं आपको बताऊं, जो मेरी रूही है उसके मामा नहीं है, तो उसके मामा नहीं है उसके साथ, तो
जब वो रूही हमारी 3 महीने की थी, तब से मैंने और मेरी मम्मा ने बहुत नाजों से पाला है रूही को, बहुत केयर किया उसकी मैंने, बहुत, मतलब उसको हर चीज जो उसको चाहिए होती थी हम लोग पहले से ला कर रखते हैं, उसको हमने कभी कुछ फील नहीं होने दिया। तो आज आपके सामने वो इतनी बड़ी है, आज वो खुद से खाना खा लेती है, खुद से पानी पी लेती है, खुद से चल लेती है, स्कूल जाती है, स्टडी करती है, सब कुछ करती है। और आज तो मुझे खुद उठकर, अगर मैं कभी लेटी होती हूँ, नहीं उठती, तो दीदी पानी पी लो, मुझे ला कर देती है। लेकिन जब वो 3 महीने की थी, तब मेरा कॉलेज था और मैं सुबह सुबह कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाके, मतलब मैं कॉलेज सुबह सुबह 8 बजे यहाँ से निकलती थी और 1 घंटे का मेरा रास्ता था कॉलेज का। तो मैं जब जाती, तो उस टाइम जब रूही 3 महीने की थी, तो मेरी मम्मा को यहाँ पर एक इतना बड़ा होल हो गया था, मतलब घाव हो गया था। तो वो इतना बड़ा घाव था कि उसके अंदर हमारी एक उंगली तक चली जाती थी, एक अगर उंगली हम लोग उसमें अगर डाल दो तो वो चली जाती थी, इतना बड़ा घाव था। और प्लस शुगर प्लस बीपी हाई, बहुत प्रॉब्लम थी। तो आई एम सॉरी, तो उनकी जो दिक्कत थी वो बढ़ती जा रही थी। और मैं कॉलेज करती थी, मम्मा बोलती थी तू पढ़ाई कर, मैं देख लूँगी। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उस टाइम बहुत ख़राब थी, तो मेरी मम्मा को भी इतनी दिक्कत थी और रूही भी थी। मैं सुबह खाना बनाकर, मतलब कॉलेज जाती थी, कॉलेज जब पहुंचती थी तो मेरा इंग्लिश का लेक्चर जो होता था वो मिस हो जाता था मुझसे, मैं नहीं लगा पाती थी। तो मेरे टीचर्स कहते थे अनु ये टाइम नहीं, मुझे बाहर निकाल देते थे क्लास में, बाहर खड़ी होती थी मैं, ऐसे रोती रहती थी कि बाबा, मतलब उस टाइम मेरे पास बाबा थे, लेकिन मैं बाबा को, मैं आपसे बता रही हूँ, बाबा को मैं जानती थी लेकिन मानती नहीं थी, मतलब मानती थी सॉरी, लेकिन जानती नहीं थी कि साईं ये सब भी कर सकते हैं। मुझे पता था कि मैं मानती हूँ बाबा को, लेकिन ध्यान में ही नहीं, जैसे मेरी किस्मत में उस टाइम वो जो लिखा था वो मुझे भोगना था, इसलिए मुझे बाबा नहीं याद आते थे, क्योंकि मेरे वो कर्म थे जो मैंने भोगे उस टाइम, मुझे वो भोगना था, इसलिए मुझे बाबा नहीं, नज़र ही नहीं आते थे। मैं क्लास से बाहर खड़ी होती थी, मेरे फ्रेंड्स, अब आपको तो पता है जब स्कूल लाइफ ऐसी होती है, कॉलेज लाइफ, तो लोग तो हंसते रहते हैं ना, तो लेकिन उनको पता नहीं होता कि किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। तो मैं क्लास के बाहर खड़ी थी, उसमें से एक मेरी फ्रेंड थी, उसका मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, मेरी फ्रेंड थी, वो मेरा बहुत हेल्प करती थी। तो जब लेक्चर ख़त्म हो जाता तब मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मुझे अंदर बैठने को मिलता था। तो मैं म्यूज़िक करती थी, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था बचपन से मेरी, मतलब मैंने 6-7 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। मैंने जागरण भी किए हैं, मैंने बहुत सारे स्टेज शो किए हैं, अच्छे अच्छे बहुत सारे किए हैं मैंने, पर कहते हैं ना लाइफ साथ जब नहीं देती तो वो काम नहीं हो पाता, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया उस टाइम। लेकिन मैंने बहुत सारे जागरण किए, माता रानी के भजन भी गाए बहुत, मतलब नवरात्रि जब आते थे ना तो टाइम नहीं होता था हमारे पास, इतने जागरण चलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था उस टाइम, छोटी सी थी मैं। और फिर मैं कॉलेज जाती, वहाँ बाहर खड़ी रहती, रोज का मेरा था कि मैं रोज जाती कॉलेज, और एक लेक्चर तो मैं 9 से 10 बजे तक खड़ी रहती थी, बैठने नहीं देते थे। तो वहाँ पर मैं खड़ी खड़ी थक जाती थी, तो घर से सुबह उठती थी, मम्मा को देखकर बहुत दुख लगता था, लेकिन क्या करूँ, उस टाइम मैं इतनी मेच्योर भी नहीं थी कि मैं खुद को संभाल सकूँ। तो वहाँ खड़े होकर 10 बजे जब नेक्स्ट लेक्चर लगता था तो अंदर जाने का मिलता। अब मैं अंदर जाती, वहाँ पर जो करना वो किया। कई बार तो मेरी फ्रेंड ने बोल दिया, तो क्या करेगी अपनी लाइफ में, तेरा क्या होगा। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन परिवार जो मेरा है, मेरी मम्मा, मेरी रूही को मैं कैसे छोड़ दूँ, उनका भी तो करना है ना। तो जब मैं घर आऊँ तो मम्मा की तबीयत खराब, कॉलेज करके आऊँ जब घर पहुँचती तो मेरी मम्मा की हालत काफ़ी ख़राब होती। तो वहाँ से जैसे कॉलेज से आके अपना बैग रखती थी मैं, बैग मैंने रखा, मम्मा को लेके फटाफट ऑटो बुलाया और डॉक्टर के पास। तो आप सोचो, रूही मेरी छोटी सी 3 महीने की रूही थी और 3 मंथ्स का बेबी संभालना बहुत मुश्किल था।
तो उसको लेके जाना, एक तरफ मैंने उसको गोदी में लिया होता था रूही को, मुझे याद है, और सामने वाली जो सीट होती है उसमें मेरे मम्मा लेटे हुए होते थे, इतनी तबीयत खराब होती थी उनकी, वो बोल नहीं पाते थे। तो उनको लिटा लिया सामने और इधर मैं बैठती थी, और ऑटो वाला जो भैया होता था, जब मैं मम्मा को लेके आती थी दवाई कराने, तो मैं कई बार तो बोलती थी भैया मेरी रूही को पकड़ लो, वो विश्वास लायक थे, मतलब हर बार वही जाते थे हमारे साथ, तो मैं उनको बोलती थी भैया इसको रूही को पकड़ लो थोड़ी देर, मैं मम्मा को लेकर आती हूँ, तो वो भी हेल्प करते, क्योंकि भैया वगैरह को अगर मैं छुट्टी करवाती हूँ जॉब से, छुट्टी करके आते तो पैसा कहाँ से आता, दवाई कहाँ से होती, पैसे भी तो चाहिए होते हैं दवाई के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भैया संभाल लेते थे रूही को, जब तक मैं मम्मा की मेडिसिन वगैरह लेकर आती थी तब तक मम्मा की हालत तो होती नहीं थी, वो मैं कई बार तो मुझे पहचान भी नहीं पाती थी, इतना दिक्कत आ जाती थी, तो हो जाता था ठीक है उनका हो गया, अब भैया ने संभाला, जब तक मैं रूही को मम्मा को लेकर आती थी मेडिसिन के लिए तब तक मेरी रूही को संभाल कर रखते थे। फिर घर आऊँ फिर वही सारा शेड्यूल, खाना बनाना ये वो हो गया, मतलब मेरे सिर पर मम्मा की तबीयत भी थी, मेरी रूही भी थी, मेरा कॉलेज भी था, म्यूजिक भी था और घर भी था, बहुत मतलब सारा बर्डन था, और इस बर्डन के कारण मुझसे स्टडी नहीं हो पाती थी, बहुत सोचती थी कि बाबा मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, स्कूल कॉलेज जाती हूँ तो टीचर्स बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, तो करती क्या है घर पे, और जब घर आऊँ तो फिर मम्मा की हालत देखकर मुझसे रहा ही नहीं जाता था, मैं क्या करूँ। फिर मैं बैठे बैठे ये सोचती थी कि मेरी रूही जितनी जल्दी बड़ी हो जाएगी ना, फिर वो खुद को संभाल लेगी थोड़ी, बाबा इसको जल्दी जल्दी बड़ा कर दो, पर वही बात है ना, उस टाइम बाबा का नाम मुँह पे नहीं आता था, रात को होती थी तो रूही बच्चा है जल्दी सोता नहीं है, तो मैं और मेरे भैया उसको गोदी में लेकर के यूं यूं करके ना चलते रहते थे, 12-1 बजाता था उसको सोने में, 12-1 बजे सोती ही नहीं थी वो, और कई बार तो रात भी उठ के बैठे थे, बच्चों का तो ये हाल होता था, और मैं मम्मा को अगर चलाती तो मम्मा का शुगर लेवल हाई हो जाता था, तो मैं और मेरे भैया उसको लेकर के हिलाते थे इधर घुमाते थे, तो वो 1-1.5 बजे तो वो सोती थी, तो 1-1.5 बज के मुझे सोना, उसके बाद सुबह उठकर कॉलेज जाना, खाना देना, मम्मा को ध्यान देना, सब कुछ था मेरी लाइफ, और सहारा किसी का नहीं था। कोई ये भी नहीं कहता था कि हाँ कोई दिक्कत हो तो हमें पूछ लेना, हमें याद कर लेना, नहीं कोई नहीं कहता था, सब मुंह फेर देते थे लोग, यहाँ तक कि मेरी जो मासी वगैरह थी वो भी मेरे मम्मा को बहुत बोलते थे कि तुम क्या, तुम्हारा तो ये है, तुम तो वो, लेकिन वो टाइम हमने कैसे काटा है वो मैं जानती हूँ, बहुत बहुत तकलीफ होती है वो याद करके ना, सीरियसली मैं हिल जाती हूँ पूरी। तो वो टाइम बाबा, उस टाइम मैं ये बोलती थी कि हे साईनाथ, अब मेरे मुंह पे साईनाथ आता, लेकिन उस टाइम नहीं आता था पता नहीं क्यों, तो मैं उस टाइम बोलती थी कि भगवान ऐसा दिन ऐसी जिंदगी कभी किसी को मत देना, मैं हमेशा ये बोलती थी, और आप जानते हो इतना मतलब था कि मैं अपनी मम्मा के आगे तो रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर मैं अपनी मम्मा के आगे अपना दुख जाहिर करती तो सोचो उनकी क्या हालत होती, चुप रात को रोती थी बाबा के सामने बैठकर, जो भगवान के मंदिर में थे उनके सामने बैठकर रोती थी कि क्या है, क्या जिंदगी है, कब ठीक होगा ये सब, कब आएंगे अच्छे दिन बाबा, कब आएंगे, लेकिन मेरी रूही धीरे धीरे बड़ी हुई, धीरे धीरे उसने चलना सीखा, जब चलने लग गई तब थोड़ा ये हुआ कि हाँ अब रूही थोड़ा बड़ी हो रही है, अब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी उसको उसकी हर एक चीज ना, मैं कहती हूँ बाबा नहीं थे उस टाइम मेरे पास, लेकिन उसकी मांगी हुई हर चीज उससे पहले आ जाती थी उसके पास, आज भी उसका यही हाल है कि वो कुछ कहती है ना कि दीदी मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, तो वो चीज पहले से आ जाती है। तो मेरे कॉलेज के दिन, मेरे स्कूल के दिन, मेरी स्टडी वहीं से मैंने स्किप कर दी, मैंने कहा मम्मा
मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। आप मानोगे मेरा दिमाग ब्लॉक हो चुका था, बिल्कुल ब्लॉक। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मुझे करना क्या है, मैं क्या करूं। बोलती कुछ और थी, होता कुछ और था, करती कुछ और थी, हो कुछ और ज्यादा था। मैं सोचती थी मैं आज ये नहीं, आज ये करूंगी, लेकिन कुछ होता ही नहीं था मेरे, मुझसे सोचा हुआ कुछ होता ही नहीं था, जो सोचो उससे उल्टा हो जाता था। लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी। मुझे अभी जब मेरा चैनल थोड़ा सा मतलब जब ये 300-400 सब्सक्राइबर थे, तो किसी ने मुझे कमेंट किया, तुम बच्ची हो और अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, ये बातें करने की उम्र नहीं है। अब मैं उनको कैसे बताऊं कि बच्ची पर तो समय ने तरस नहीं खाया ना, इस बच्ची पर उस समय ने तरस नहीं खाया, उसने सब वो समय किसी पे तरस नहीं खाता, उसने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि आज मुझे कोई डर नहीं लगता। लेकिन उस टाइम संभालने वाला, उस टाइम हम लोग एक दूसरे को संभालते थे, एक दूसरे को हम लोग सहारा देते थे, पूरी फैमिली हम लोग एक दूसरे को समझाते थे, नहीं मम्मा सब ठीक हो जाएगा। मेरे मम्मा का जो घाव था वो धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो भी ठीक हो रहा था, लेकिन बहुत दर्द होता था उनको, वो काम नहीं कर पाते थे, यहाँ तक कि अपने बालों की कंघी तक नहीं कर पाते थे। इसीलिए मैं वो दिन कभी याद नहीं करती अपनी लाइफ में, कभी नहीं याद करती मैं उन दिनों को, क्योंकि वो दिन याद करके टूट जाती हूँ मैं। लेकिन फिर भी अब मुझे ना उतना फील नहीं होता, क्योंकि मैं पॉजिटिव सोचने लग गई और मेरे पास बाबा है। अब आगे सुनिए आप, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो मम्मा का घाव भरता है। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स छोड़ दिए, कुछ छूट गया मुझसे। अब मेरे पास सिर्फ मैं अकेली थी, जो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरा सपोर्ट किया, उसको भी छोड़ दिया मैंने, उससे बात ही करना बंद कर दिया। फिर पूछे कि अनु कॉलेज क्यों नहीं आती है, अनु क्या जवाब देगी, मैंने उसको फोन ही बंद कर दिया। मैंने कहा मैं कॉलेज ना जाऊंगी और ना मुझे जवाब देना पड़ेगा। फिर जो मेरी म्यूजिक क्लास में मैं जब जाती हूँ तो मेरे गुरुजी मेरे को बोलते हैं, अनु तो मेरा सबसे नालायक बच्चा है, तू आता नहीं है, तूने क्लास नहीं लगाई सही से, तू टाइम पर नहीं आती है, तेरे को ये है, तब जब देखो घर जाने की पड़ रहती है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम मेरे सबसे नालायक शिष्य हो, तुम मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे को बहुत बोलते थे। लेकिन उनको क्या पता, उनको तो कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं बता देती कि गुरुजी मेरी ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी मम्मा बीमार रहती है, तो वो बोले तुम्हारे घर में भाई तो है, पापा तो है, लेकर जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता अगर भाई पापा छुट्टी करके लेकर जाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। मम्मा वो बहुत दुखी होते थे कि मतलब बहुत दुखी हो जाते थे वो कि अब क्या होगा, हम लोग ये सोचते। और मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे नू तुम, मैं तो सोचता हूँ तुम्हारा होगा क्या। और बाकी जब वो बोल भी जाते थे ना घर पे आकर, तो हम लोग बहुत रोते थे कि हमारा क्या होगा, कैसे आगे लाइफ अच्छी होगी, कैसे क्या होगा, जिसने जहाँ बोल दिया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ जाने से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, हम लोग वहीं चले जाते थे कि कुछ तो होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन जब भाग्य साथ नहीं देता, समय, हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं जो हमें भोगने पड़ेंगे, तो रोने से क्या फायदा ना। ये जो मेरे आंसू देख लो ना, ये आज खुशी के हैं, मुझे गर्व है कि मेरे बाबा मुझे मिले, तो टाइम था वो था, क्या कर सकती हूँ। लेकिन बहुत, कितना बताऊँ मैं आपको, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा, एक एक दिन काटना मुश्किल, कभी कभी तो खाना तक ही नसीब होता था। कॉलेज से आऊँ मम्मा को डॉक्टर पास, मतलब जब कॉलेज में एक बार क्या हुआ,
मेरे फ्रेंड्स ने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए, क्या तू तो कुछ खाएगी? मैंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं खाऊँ। वो कहते एक साथ पैसे मतलब होता ना कंट्रीब्यूट करके वो लोग करते हैं, तो उन्होंने मंगवाया, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे पास मैं पैसे नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे बचपन से वो अहमियत समझ में आ चुकी थी कि होती क्या है, आखिर कैसे कैसे इतनी मेहनत से पेरेंट्स पैसे लेकर आते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, और अगर हम उनके बारे में उनकी सिचुएशन नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बाबा ने बचपन से मुझे समझा दिया था, मुझे ये समझ में आ चुका था कि कितनी मेहनत से ये सब कुछ होता है, और हम उसको ना समझे तो मैं, और जो मुझे देख रहे हैं मेरी एज के, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स की कद्र किया करो। पेरेंट्स लाइफ में एक बार मिलते हैं, हमें दोस्त मिल जाएंगे, हमें हर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलते। तो मैं जानती हूँ, मैंने अपनी मम्मा को मुझे मुझे मेरे ना हमें म्यूजिक सिखाते, मेरे को बोलते थे कि अरुण तुम अपनी मम्मा के लिए इतना मतलब उनको घर पे रहने दो, उनको कुछ सिखाओ, उनको बोलो कि वो अपने आप कर लिया करें। मेरी मम्मा एक्चुअली मेरे बिना खाना नहीं खाते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो मैं बोलती थी, मैंने कहा मुझे घर जाना है, मेरे मम्मा खाना नहीं खाएंगे अगर मैं घर नहीं जाऊँगी तो वो बोलते थे कि लेकिन क्या कुछ नहीं सुना मैंने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सुना, जिसने जो पाया ना वो सुनाया मेरे को। लेकिन मैंने भी ना हार नहीं मानी, मैंने हारा कभी नहीं, मैंने कहा नहीं कुछ तो होगा। फिर चलते चलते लाइफ चल रही थी, मतलब कट रही थी लाइफ, जी तो मैं अब रही हूँ, उस टाइम कट रही थी। कटते 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 बहुत से ऐसे लोग मिले, कईयों ने हिम्मत तोड़ी, तोड़ने वाले मुझे ज्यादा मिले, बांधने वाला कोई नहीं मिला मुझे। हमेशा ये लगा था कि अब मैं आगे क्या होगा, मेरा कैसे क्या होगा, कैसे मैं सब कुछ ठीक कर पाऊंगी, कोई उम्मीद नहीं दिखती थी मेरे को। रूही भी छोटी सी थी मेरी, बहुत ये है आज जो मैं हंसती हूँ आपके सामने, आपको बोलती हूँ ना कि विश्वास रखो बाबा सुनते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसी बेस पे मैं आपको कहती हूँ। कभी कभी तो एक बार क्या हुआ था, रात को 8 बजे थे, कॉलेज से आई मैं, सब कुछ ठीक था, मेरी मम्मा भी ठीक थे, मैं कॉलेज से आई, मैं आराम से खाना पीना खाया हमने और बैठी घर पे। अचानक रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे सॉरी, अचानक शाम को 6 बजे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि यूँ लग रहा था कि अब क्या होगा। तो मैंने ऑटो वाले अंकल को बुलाया, तो वो 8 बजे से पहले नहीं आ सकते थे, तो जो भैया हमें लेके जाते थे वो आए, 8 बजे आए। तो जब वो 8 बजे आए तो मैंने कहा भैया जल्दी जल्दी चलो, मैंने भैया को बोला भैया आप घर पे रहना, क्योंकि डॉक्टर का मुझे पता था, तो मेरे भैया ने वो उनको जॉब पे जाना था, तो वो मतलब कुछ काम था उनको, तो वो वहाँ पर गए। मैंने कहा आप जाओ, मैं मम्मा को लेकर जाती हूँ। तो पापा थे मेरे साथ, मैं मम्मा पापा तीन लोग, हम लोग मम्मा कुछ मम्मा को मतलब इतनी तबीयत खराब हो जाती थी कि वो बैठ तक नहीं पाते थे, तो उनको ऑटो में लेटा देते थे, लेकिन वो रोते थे ना तो बहुत दुख लगता था, वो रोते थे कि मेरा क्या होगा मतलब। तो उनको लेटा देना और रूही को मैंने ले लेना, पापा ने मम्मा को ऐसे पकड़े रहना ताकि झटके लगते ना ऑटो में, बहुत सारे झटके लगते हैं, या तो बहुत ज़्यादा रास्ता भी खराब होता था तो झटके लगते थे, तो झटके लगते थे, तो मैं कहा मम्मा पापा मम्मा को मतलब देख रहे, मैं रूही को पकड़े रहती थी। वो दिन हमको आते आते 10:30 बज गए डॉक्टर के पास से। जब डॉक्टर के पास 10 बजे आए तो फिर खाना वाना बनाया, उसके बाद सबको खिलाया। अब मैं खुद मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं है, पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि स्टडी में जितनी करना चाहती थी मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, आगे बहुत कुछ करना है मुझे, लेकिन जितना मैंने सोचा था वो नहीं कर पाई मैं। म्यूज़िक करूँगी, मुझे लगा मैं म्यूज़िक करूँगी, म्यूज़िक में मैं म्यूजिक में इतना आगे जाना चाहती थी कि मुझे
सब लोग बोलते हैं ना तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू बहुत कुछ करेगी. मैंने कहा हाँ मैं बहुत कुछ करूँगी, लेकिन शायद वो मेरे लिए बना ही नहीं था, इसलिए नहीं हुआ. मैं क्यों घबराऊँ, जो मेरे पास है मैं उसकी कदर करती हूँ. फिर अब तो टाइम बीतता चला गया, उसको हम अब हमारी आदत हो गई थी कि उस चीज़ को हमें करना ही करना है, तो टाइम बीतता चला गया, ऐसे ऐसे होता चला गया. कॉलेज मैंने छोड़ दिया था, अब सब कुछ आगे आगे बढ़ता रहा. धीरे धीरे दिन भी मामा भी थोड़ा अच्छे होने लगे, लेकिन तबीयत खराब होती रहती थी, लेकिन उतनी नहीं होती थी जितनी पहले होती थी. अब धीरे धीरे वो ठीक होने लगे, उनका घाव भी भर गया बहुत अच्छे से, रूही बड़ी होने लगी. तब एक दिन वो बाबा की मूवी देख रहे थे, मैंने आपको पिछली बार बताया था, मूवी देख रहे थे. मूवी देखते देखते उनका बड़ा मन हुआ कि ये तो साईं बाबा हैं. चलो लाडी तुम जिनको मानती हो ना ये वही बाबा हैं, और चलो हम लोग शिरडी चलेंगे. तो बड़ा खुशी हुई कि हाँ यार शिरडी जाएंगे हम लोग, तो शिरडी शिरडी मेरी मतलब शिरडी के नाम से ना दिल धक 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 नहीं लगता. तो ये मेरा सफ़र, मैंने जो आगे पीछे तक आई हूँ, जो पीछे का मैं भूल कर आज आगे बढ़ी हूँ, वो मेरा सब कुछ कितना बताऊँ मैं आपको. बहुत सारी बातें इतना घाव कर देती ना, आज भी वो घाव भर जाते हैं जब याद करूँ. बहुत दिक्कत होती, लेकिन जब से मुझे मेरे बाबा मिल गए, जब से मैंने बाबा से प्यार करना शुरू कर दिया, अपने मालिक को समझना शुरू कर दिया, तब से दुखों ने भी आना बंद कर दिया. अब नहीं आते दुख मेरे पास, आते हैं तो वो थोड़ा मोड़ा होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अब नहीं आती. और एक दिन लास्ट दिन था मेरा, आपको बताती हूँ, मम्मा को मैं डॉक्टर के पास लेके गई रात को 8 बजे. मैं अकेली थी किसी कारण से, मतलब भैया लेट आने वाले थे, उनको नहीं छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी भी नहीं देते थे लोग, बोलते थे कि मेरी मम्मा बीमार मुझे जाने दो, लेकिन छुट्टी नहीं मिलती थी. तो मैंने कहा चलो मम्मा मैं आपको लेके जाती हूँ. मैंने घर लॉक किया, और रूही थी, रूही 1-2 साल की हो गई थी, नहीं 3 साल की रूही थी मेरी. तो मैं लेकर उस मम्मा को बैठी ऑटो में, तो मैं मम्मा और रूही, रास्ते में पापा मिलने वाले थे मुझे, तो वहाँ से मैं चली. और वो मानते हो, अब ऑटो वाला ना पता नहीं किस रास्ते से लेकर गया हमें, वो सही था गलत नहीं था, लेकिन वो रास्ता उसने कोई और सा ढूंढ लिया. अब मेरे को क्या डर लगे, पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रहा है, पता नहीं ये कहाँ लेकर जा रहा है, ये भगवान. मैंने उससे पूछ भैया कहाँ कौन से रास्ते से जा रहे हो, तो बोलते नहीं नहीं बैठे रहो, मैं आपको डॉक्टर पास पहुँचा दूंगा, वो रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक था इसलिए मैं आपको इस रास्ते से ले आया. मैंने कहा नहीं भैया प्लीज़ बताओ क्या है. तो वो लेकर चलता रहा. मम्मा को और दिक्कत बढ़ रही थी, उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी. मैंने उस दिन कहा कि हे भगवान अगर तुम हो. उस दिन मैंने अपने बाबा को याद किया था, मुझे याद है. मैंने कहा बाबा अगर तुम हो ना तो आज के बाद ऐसे मुझे लेकर मम्मी को कभी ना आना पड़े. दवाई कराने आऊँ मैं, लेकिन ऐसे लेटा कर और ऐसी घबराहट में बाबा मुझे कभी मत बुलाना. और वो दिन और आज का दिन है, मैं उस तरह से मम्मा को लेकर कभी नहीं गई, वो उस कंडीशन में लेकर मैं अपनी मम्मा को कभी नहीं गई. मतलब आप मान लो कि उस टाइम ये कहने वाला कोई नहीं था कि हाँ अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हम हेल्प करते हैं, आपको हमारा साथ चाहिए तो हम साथ भी देंगे, लेकिन कोई नहीं कहने वाला था. फिर हाथ मिला एक जो बाबा का था, फिर बाबा मिले. जब से बाबा मेरी लाइफ में आया ना मेरी लाइफ बदल गई. मैंने बाबा को मानना शुरू किया, बाबा को जानना शुरू किया. जब मैं जान गई ना तब मुझे पता लगा कि मानती तो मैं थी बस जानना बाकी था. और जब मैं जान गई तो मुझे पता लग गया कि ये मेरी हर दिक्कत को ख़त्म कर देंगे, ये मेरे हर प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, मुझे पता था. लेकिन जब तक बाबा नहीं मिले तब तक मेरी लाइफ बहुत बकवास थी. मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा. मैं कह भी नहीं पाऊंगी उन दिक्कतों को आपसे, नहीं बोल पाऊंगी मैं. ऊपर से ये भी सुनना कि अनु तुम तो नालायक हो, तुम तो कुछ लायक भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं, तुम मेरे सब स्टूडेंट्स में सबसे नीचे हो, जबकि मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी उनकी. मेरे जाने के बाद म्यूजिक क्लास स्टार्ट हुई थी, मैं फर्स्ट स्टूडेंट थी. लेकिन मेरे को ना, मैं उनको गलत नहीं बोलती क्योंकि वो अपनी जगह पर सही थे,
उनको था कि मैं आऊँ, तो मुझे किसी ने ये भी बोला था कि अनु तुम मम्मा को बोलो कि घर के लोग संभालेंगे, तुमको अपना जिंदगी देखनी चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मेरी जिंदगी मेरी माँ है, अगर मैं अपनी मम्मा को छोड़कर अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल कर लूंगी, कुछ कर लूंगी, तो मेरा क्या फायदा, क्यों करूं मैं वो, मेरी मम्मा को छोड़कर मैं अपनी खुशी देखूं, ऐसा क्यों नहीं किया। मैंने कहा मैं म्यूजिक छोड़ सकती हूँ लेकिन अपनी मम्मा को नहीं छोड़ सकती। मैंने म्यूजिक छोड़ दी, वो उस जगह पर जाना छोड़ दिया जिसने मेरी मम्मा से दूर करने की बात मुझे कही थी। मैं गाती हूँ, मेरे पास हारमोनियम वगैरह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, मैं गाती हूँ, लेकिन मैं वो नहीं करती जो जिन्होंने मतलब मुझे बोला था, उसलिए वो सब छोड़ दिया मैंने। और उसको छोड़ने के बाद मैंने मम्मा को अपनी ठीक करा, तो पहले मम्मा पे ध्यान दिया। मैं कौन कौन से ऐसे लुधियाना में डॉक्टर्स हैं जिनके पास मैं नहीं गई अपनी मम्मा को लेकर। मैं पता करती थी कौन सा अच्छा डॉक्टर है, मुझे प्लीज बताओ, तो जो जहाँ बताता था मैं वहां लेकर भागती थी। किसी ने बोला कि यहाँ दिखाओ, यहाँ पर ये ऐसा होगा, तो मैं वहां लेकर जाती थी मम्मा को। कैसी लग रही है आपको मेरी ये लाइफ स्टोरी, लग रही होगी ना एक, लेकिन ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसा पर्सन नहीं था कि जिसने सहारा दिया हो कि तुम चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कहने वाला ही कोई नहीं था यार पूरी लाइफ में, उतनी जितनी लाइफ मैंने समय था हमारा, ये कोई कहने वाला नहीं था कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, किसी ने नहीं कहा। हाँ जब बाबा जिंदगी में आए तब से मेरी जिंदगी बदल गई, इसलिए मैं इतना प्यार करती हूँ अपने साईं को, इसीलिए उसने मेरी जिंदगी, मैं अब सोचती हूँ कि अगर मेरी जिंदगी में बाबा नहीं आते तो मेरा क्या होता। अब सोचती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में मेरे बाबा नहीं होते तो मेरा क्या होता, लेकिन इतने तो अच्छे कर्म थे मेरे कि वो आए मेरी जिंदगी में और मुझे संभाल ले आकर, उन्होंने मुझे संभाला, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे सहारा दिया, और आज ये मेरे बाबा के होते हुए मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ, आपसे बोल पाती हूँ कि कॉन्फिडेंस रखो यार अपने ऊपर, अपने साईनाथ के ऊपर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। कोई नहीं आता हेल्प करने के लिए, लेकिन वो जरूर आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। मैंने पता नहीं कितने साल रोते रोते, रात को रोती थी बैठकर बाबा के पास, मम्मा के सामने रो नहीं सकते थे क्योंकि मम्मा को दुख लगता था, वो खुद टूट जाते थे, इसलिए वो हार्ट पेशेंट है, वो नहीं सह पाते हमारा देख के रोना, लेकिन बाबा के आगे रोते थे बैठ के कि बाबा कब ठीक करोगे यार, क्या होगा हमारा। आज देखो आज मुझे बहुत कुछ दिखता है, आज मैं सुबह उठती हूँ ना मुझे बहुत कुछ दिखता है, तुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन जिन लोगों ने मुझे बोला बहुत कुछ बोला उनसे मुझे कभी बुरा नहीं लगता, उनके बारे में सोच के मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर कल को वो मेरी लाइफ में आएंगे, उनको हेल्प लगेगी ना, तो ये साईं अनु उनकी भरपूर हेल्प करेगी, मेरा वादा है मेरे बाबा से, आई प्रोमिस बाबा कि मैं उन लोगों की पक्का हेल्प करूंगी जो मेरी लाइफ में आकर मुझे ताने मार कर गए। क्योंकि मैं एक साईं भक्त हूं। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया, और भी जो मेरी लाइफ में जैसे जैसे बाबा मुझे बताते जाएंगे बोलने को, मैं आपके सामने अपनी लाइफ में जो हुआ है वो आपसे शेयर करती रहूंगी। इससे बड़ा तो दुख मेरी लाइफ में अभी तक नहीं आया, और अब मेरी लाइफ में कोई दुख आएगा भी नहीं, अब मेरी लाइफ में कोई दुख नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने जिसका हाथ पकड़ा है ना उसने दुखों को रोक दिया, दरवाजा ही बंद कर दिया वहां का, कुंडी मार दी, अब नहीं आ सकता कोई मेरे पास दुख, क्योंकि अब मेरे पास एक तो मेरे बाबा है और इतनी अच्छी फैमिली है यूट्यूब की, और आई लव यू ऑल, आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही अपनी साईं अनु का प्यार बढ़ाते रहिए, और मेरे लिए जो दिल में जगह है उसको और बड़ी करते रहिए, ठीक है ना। इतना बड़ा दिल चाहिए मुझे आप लोगों का जिसमें मैं बैठ सकूँ एटलीस्ट, ठीक है ना। तो ऐसे ही
मुझे साथ देती रही, मुझे सपोर्ट करती रही, मुझे प्रोटेक्ट करती रही। और अपनी आज की मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जो कर सकते हो वो करो। ठीक है, आज आपने मुझे रुला दिया, इतना सब कुछ याद दिलवा दिया, कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई आपसे शेयर करके। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सोचना छोड़ दीजिए। इसको सुनने के बाद सोचना मत ज्यादा, ठीक है, भूल जाना, जैसे मैं भूल गई। ओके, ओम साईं।